हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एज यू कैन सी आप देख सकते हो कि यह वीडियो जो है वो यूनिट टेन बी द विलेज ब्लैक स्मिथ के कुछ क्वेश्चन आंसर्स पर बेस्ड है तो इस वीडियो में हम लोग जो द विलेज ब्लैक स्मिथ पोएम है उसके एंड में कुछ क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड आंसर्स of these questions which are present at the end of the poem so uh, the first question says as you can see in the screen of dekh sakte the first question is the very first question says it asks the question that where is the village smithy okay village smithy kaha hai and uh, you can see the uh, you can find the answer in the first stanza of this poem

विलेज ब्लैक स्मिथ के हैवी स्लेज को किससे कंपेयर किया गया है कैसे किससे उसकी तुलना की गई है एंड द आंसर इज टू द हैमर ऑफ द सेक्स्टन रिंगिंग द विलेज बेल द हैवी स्लेज ऑफ द ब्लैक स्मिथ इज कंपेयर्ड ओके तो जो सेक्स्टन जो विलेज बेल को बजाते हैं उसके हैमर से ब्लैक स्मिथ के हैवी स्लेज को कंपेयर किया गया है उससे उसकी तुलना की गई है नाउ कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन एंड इट सेज व्हाट क्वालिटीज ऑफ द ब्लैक स्मिथ डू यू लाइक तो ब्लैक स्मिथ के कौन से क्वालिटीज हैं जिसको आप पसंद करते हैं तो आंसर इज आई लाइक हिज परसिस्टेंस टू हिज वर्क ट तो मुझे आपके कुछ अलग भी आंसर हो सकते हैं आप उसके अदर क्वालिटीज को भी पसंद कर सकते हैं बच्चों बिल, बिल्कुल क्योंकि आ, सबकी पसंद अलग होती है तो मुझे उसके उसकी जो दृढ़ता है जो अपने काम को खत्म करने की अपने काम को पूरा करने की दृढ़ता है उसका जो डिटर्मिनेशन है उसका अपने काम के प्रति अपने रूटीन के प्रति डिवोशन है समर्पण की भावना है ये सारी चीजें मुझे ब्लैक स्मिथ की बहुत अच्छी लगी आप अपने विचार भी आप अपने अलग चॉइस भी लिख सकते हो हम मूविंग टू क्वेश्चन एंड इट्स वट डू द चिल्ड्रन डू ऑन देयर वे बैक फ्रॉम स्कूल तो जब बच्चे स्कूल से वापस आते हैं तो वो क्या करते हैं जो अपने बच्चे अपने स्कूल से घर के रास्ते में जाते हैं तो वो क्या करते हैं याद कीजिए आपने पिछली वीडियो में देखा है एंड द आंसर इज द चिल्ड्रन लव टू सी द फ्लेमिंग फॉर्ज हेयर दोर एंड कैच द बर्निंग स्पार्क्स दट फ्लाई वैन दे दे आर फ्लाई वैन दे वैन दे आर ऑन देअर वे बैक फ्रॉम स्कूल ओके यहाँ पे दे डू होगा सो मैं एक बार फिर से आंसर पढ़ देती हूँ द चिल्ड्रेन लव टू सी द फ्लेमिंग फॉर्स हेयर द बेलोज रोर एंड कैच द बर्निंग स्पार्क्स दैट फ्लाय दे डू दीज वैन दे आर ऑन देअर वे बैक फ्राम स्कूल सो मैंने यहाँ फ्लाई के बाद ऊपर दे डू दीज होगा पे बाय मिस्टेक ओनली द लिखा गया है ओके okay? तो दे डू दीज लिखेंगे और उसके बाद वेन दे आर ऑन देयर वे बैक फ्रॉम स्कूल ओके तो बच्चे क्या करते हैं बच्चे जो हैं वो ब्लैक स्मिथ के दरवाजे जो दरवाजा होता है उसे खुला रहता है तो उनको क्या पसंद है ब्लैक स्मिथ का जो भट्टी है यानी और जहाँ पे आग जल रही है उसको देखना देन उसके टन टन की आवाज को सुनना थोड़े की आवाज को सुनना और साथ ही साथ जो चिंगारी आग की निकलती है और वो उड़ती है उसको पकड़ना ये सारी चीजें बच्चे करते हैं जब वो स्कूल से वापस आते हैं एंड लास्ट क्वेश्चन व्हाट मैसेज अबाउट द लाइफ डज द विलेज ब्लैक स्मिथ अस ठीक है लाइफ के बारे में विलेज ब्लैक स्मिथ हमें क्या लेसन क्या मैसेज देता है सो यू कैन सी आप देख सकते हैं आंसर क्या है द विलेज ब्लैक स्मिथ गिव्स अस मैसेज टू डू हार्ड वर्क एंड लेबर एक्चुअली वहाँ एल ए बी ओ यू आर होगा एल ओ लिखा गया है आप उसको बच्चे प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा विच विल मेक अस अ बेटर पर्सन ओके तो विलेज ब्लैक स्मिथ हमें मैसेज uh, देता है क्या मैसेज देते हैं वो यह मैसेज देता है कि हमें हार्ड वर्क करना चाहिए मेहनत करनी चाहिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए और ये कड़ी मेहनत जो है हमें एक बेहतर इंसान बनाएगी और हमारे लिए एक अच्छा फ्यूचर सेट कर सकती है ओके सो दिस इज़ द मैसेज सो दीज आर फ्यू क्वेश्चन विच आर प्रेजेंट इन योर बुक यू कैन सी दैट in the last page we have some other questions that you can do by your own okay thank you for listening children